बहुत बहुत स्वागत है आप सबके लिए। एक बहुत बड़ी अपडेट है फाइनली, जहां पे JKSSB ने प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो कैंडिडेट की निकाली थी, अब एक और लिस्ट निकाल के जहां पे एलोकेशन ऑफ कैडर्स की भी जो लिस्ट है वो भी निकाल दी है क्लास फोर्थ पोस्ट की। अगर हम जहां पे एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन की बात करें 01/2020 जो कि 26 जून 2020 को एक रिक्रूटमेंट निकाला गया था, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपके लिए अब क्या मैसेज है। तो जहां पे सब्जेक्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कैडर्स फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट अंडर प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट 2020। तो जहां पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जो कि डेटेड 26 जून को निकाला गया। इस नोटिफिकेशन में JKSSB की क्या क्लैरिफिकेशन है उसे जान लेते हैं। तो जहां पे आप देख सकते हैं बेयर एज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक इंडेंट फॉरवर्ड किया गया था JKSSB को, जिसमें टोटल पोस्ट की बात कही गई है 8575 पोस्ट के लिए जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट की जानी थी। तो उसके बाद स्टेप नंबर टू में जहां पे कहा गया है कि नोटिफिकेशन में इस बात की बिल्कुल क्लैरिफिकेशन थी कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इन क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए जो कि मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 सबसे पहले बता दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री में कहा गया कि JKSSB ने इन पोस्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाला, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट की बात की गई थी जो कि डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यूटी कैडर वाइज पोस्ट थी इन द वेरियस डिपार्टमेंट। उसके बाद जहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, अगर बात करें जहाँ पे JKSSB ने आपका जो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट जो करवाया गया था जो कि 27, 28 February और इसके साथ साथ 1 March 2021 को 3 batches में आपका जो कि OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट हुआ था, उसी के बेसिस पे आपकी एक टेंटेटिव मेरिट स्कोर कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई। स्टेप नंबर 7 में जहाँ पे कहा गया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थी जिन्होंने, जबकि आप जहाँ पे देख सकते हैं 17,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन JKSSB को बाय ईमेल सबमिट की। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सम कैंडिडेट क्लेम चेंज इन द स्कोर अवार्डेड टू देम इन द रिटर्न टेस्ट, कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्लेम किया कि उनको जो स्कोर दिए गए हैं उन्हें चेंज किया जाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एडिशनल उनके मार्क्स थे वो नहीं ऐड किए गए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भी क्राइटेरिया बनता था, जिनको भी JKSSB जिस तरह से भी आपके कंसर्न को JKSSB ने उन्हें सॉर्ट आउट किया, सम कैंडिडेट सॉर्ट चेंज ऑफ रिजर्व कैटेगरी फॉर फेलियर टू इंडिकेट इन सेम इन द रेलेवेंट एंट्री ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरीके से JKSSB ने जहाँ पे हर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन दी है। तो इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं इस बात की पुष्टि की गई कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से चला। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने टाइम और शेड्यूल पर नहीं पहुँच पाए, जिनको अनदर अपॉर्चुनिटी देके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलाया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को पहले भी पिछले वीडियो में पूरा समझा चुका हूँ। इसके बाद जहाँ पे एक जो केस था जो कि क्वेशमेंट का केस था, उसकी जो जजमेंट आई वो भी JKSSB के फेवर में आई। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही जो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार की गई थी और उसके साथ साथ जो आपका डिपार्टमेंट के साथ साथ आपको जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन थी, उन सब चीज़ों को जहाँ पे माइंड में रखा गया है। जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप नंबर 15 में बोला गया कि कुछ ऐसी कंडीशंस थी जहाँ से पता चला कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनमें अभी भी कुछ ग्रेजुएट हैं जिनको जहाँ पे JKSSB के द्वारा एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी कैंडिडेचर को विथड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके की बातें जहाँ पे कही गई हैं, उनमें से टोटल ऐसे कैंडिडेट जो कि 153 कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने कैंडिडेचर को वॉलेंटरली विथड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 19 में भी इन सब चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दी गई है। इसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद हम जो मेन चीज़ है उसे हम जहाँ पे देखने वाले हैं लास्ट, आप जहाँ पे देखेंगे 29 स्टेप नंबर 28 में। तो जहाँ पे आप देखिए, नाउ देयरफॉर इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कैडर फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट एडवर्टीज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 01/2020 डेटा 26 June 2020 को जो कि एनेक्शन ए में उन सभी कैंडिडेट का जहां पे नाम दिया गया है, 29 पोस्ट अभी भी JKSSB द्वारा जहां पे रिजर्व्ड रखी गई हैं। तो जहां पे आप देख सकते हैं अभी उनके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसके बाद आप एक जहां पे मेन चीज़ है आप उसे जहां पे देखिए, इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट इफ़ एनी कैंडिडेट फिगरिंग इन aforesaid प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट इज found टू बी possessing higher than prescribed qualification at any later stage, जहाँ पे बताया गया कि अभी भी जो इस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में कैंडिडेट आ गए हैं जिनके कैडर की एलोकेशन हो गई है, अगर वो भी ऐसा पाया गया कि वो हायर क्वालिफिकेशन पोजेसिंग करते हैं तो उनके कैंडिडेचर को किसी भी स्टेज पे कैंसिल किया जा सकता है। तो आपने इस चीज़ को जहाँ पे देख लेना है, सारी चीज़ें जहाँ पे क्लियर की गई हैं। इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं, दी प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ PWD जो भी कैंडिडेट हैं
पर्सन विद डिसेबिलिटी, अभी आपकी जो क्लैरिफिकेशन है जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है, जैसे ही आएंगी आपकी जो लिस्ट है वो JKSSB सेपरेटली अनाउंस करेगा, वो भी एलोकेशन कैडर वाइज। तो जैसे आप थोड़ा देखिए आज की डेट में अभी अभी JKSSB द्वारा ये निकाला गया है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूं। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर जहां पे सबसे पहले आप एनेक्शर ए पाएंगे, तो जहां पे आप देखें एनेक्शर ए प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कैडर क्लास फोर्थ पोस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ, पूरा आप जहां पे देख सकते हैं। नंबर वन आपका सीरियल रहने वाला है, आपका रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, उसकी कैटेगरी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सारी डिटेल होगी, और उसके आगे प्रोविजनल सिलेक्शन कम एलोकेशन कैडर जो आपको मिला है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आपको मिली है। इसी तरह जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो जहां पे आप अपना नाम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जी, कम से कम इसमें जो पेजेस हैं वो 107 पेजेस हैं। आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो एलोकेशन जहाँ पे की गई वो अल्फाबेटिकली है, ए अनंतनाग फिर बडगाम, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे फिर सी फिर डी, इसी तरह से आप अपना नाम जहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम जहाँ पे टोटल जो कि कैंडिडेट अभी फिलहाल इस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं 5099 कैंडिडेट जहाँ पे आए हुए हैं, इसके बाद सेपरेटली PWD कैंडिडेट की भी लिस्ट निकलनी है, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनको अभी JKSSB ने रिजर्व रखा है उनकी भी अभी लिस्ट निकलनी है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि टोटल पोस्ट जो हैं वो 8575 पोस्ट हैं, लेकिन अभी जो एलोकेशन किया गया है वो अभी सिर्फ 5099 कैंडिडेट्स का ही जहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है। तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो इस तरीके से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। मैंने इस लिस्ट की जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी टाइम टू टाइम आपको पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लिस्ट के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हो सका तो मैं उसका जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू।